बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल शताब्दी नगर में। मुद्दा में हम आज बात करेंगे उन वस्तुओं की जिस पर सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है या है, लेकिन लॉकडाउन में सर्वाधिक बिक्री इन वस्तुओं की हुई, यानी शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि। मैं हूं रवि शर्मा। सब्जी व अन्य ठेले लगाने वालों पर लाठी डंडे पड़ते खूब देखे होंगे। केसरगंज व्यापारी विजय गर्ग का दुखद अंत व बेबसी भी देखी होगी, लेकिन व्यापारी हित में सामने आने वाले का दम भरने वाले किसी व्यापारी नेता को सामने आते नहीं देखा होगा। हाँ, कुछ व्यापारी नेताओं ने अपने माल की इस कदर कालाबाजारी की कि रातों रात तिजोरी भर गई। दरअसल ऐसे मामले बीड़ी, शराब, गुटखा व अन्य उन सामग्रियों से जुड़े हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रखा गया था। अब जबकि शराब बिक्री से प्रतिबंध हटा तो ठेका संचालकों के सामने बड़ा सवाल यह आ गया कि दुकान में जब माल ही नहीं है तो वे बेचे क्या। दरअसल मेरठ में चाहे शराब हो, बीड़ी हो, गुटखा हो या फिर तंबाकू, बंदी के बावजूद सारा स्टॉक पीछे के रास्ते औने पौने दामों में बेच दिया गया। अब चूंकि विभाग को दिखाना है, लिहाजा 2-3 घंटे खोलकर औपचारिकता निभाई गई कि स्टॉक खत्म हो गया। इस बीच ये यही साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि सारा माल प्रतिबंध हटने के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की अवधि के बाद भी ऐसे बहुत ही कम लोग रहे होंगे जिनके गले तर नहीं हो पाए। सवाल उठता है, जब ठेके व बीड़ी आदि की बिक्री बंद थी तो इन लोगों तक ये सब कहाँ से पहुँचा और इन लोगों को मिला कहाँ से। लॉकडाउन में लोगों की तलब दूर करने के लिए छोटे मोटे व्यापारियों ने तो शुरुआती दिनों में डंडे ही खाए, लेकिन लॉकडाउन का असली मुनाफा बड़े व्यापारी व कुछ व्यापारी नेताओं ने खूब कमाया। दरअसल ज़्यादातर स्टॉकिस्ट व्यापारी नेता ही हैं। लॉकडाउन एकाएक ही लगा, लिहाजा माल गोदाम में ही भरा था, चाहे वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो या फिर गुटखा। सभी छोटे मोटे दुकानदारों ने, ठेले वालों ने पुलिस की मार खाई और व्यापारी नेताओं ने माल। शहर दाल मंडी में बीड़ी व गुटखे रात को 3 बजे ट्रक से लाए गए और सुबह होते होते साफ कर दिए गए। सूत्रों का कहना है कि बीड़ी व्यवसायी ने माधोपुरम में माल उतरवाया, फुटकर विक्रेता लेने आए तो पुलिस आकर डंडे फटकाकर चली गई। बाद में पुलिस की सख्ती के ही नाम पर बीड़ी के रेट बढ़ा दिए गए। 12-13 हज़ार रुपये का पैक लॉकडाउन में 25 हज़ार रुपये तक जा बिका। ऐसा ही शराब का भी हुआ। बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के पास से अपने शराब के काम को देख रहे एक बिल्डर ने लॉकडाउन में खुलकर शराब की बिक्री पिछले रास्ते से की। अगर यह कहा जाए कि लॉकडाउन में सर्वाधिक बिक्री प्रतिबंधित वस्तुओं की हुई है तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मेरठ के सद्दीक नगर में इन दिनों घर में ही कमेले संचालित कर जानवरों को काटा जा रहा है। लॉकडाउन में क्या यह बिना पुलिस की जानकारी के हो रहा है, यह कहना मुश्किल है। सदर थाना क्षेत्र का भी यही हाल है। यहाँ केले वाली गली व आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। खुलेआम शराब बेचने का एक वीडियो भी यहाँ वायरल हो चुका है। समझा जा सकता है शराब बेचने वालों पर सदर पुलिस का कोई नियंत्रण अथवा खौफ नहीं है। बीती रात इसे लेकर वहाँ झगड़ा भी हुआ। शराब बेचने का जब क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध किया तो एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचा भी निकाल लिया। उसे यह कहते हुए भी वीडियो में सुना जा रहा है कि खूब वीडियो बनाओ, वह किसी से नहीं डरता है, यानी हौसले बुलंद हैं। जब भीड़ बढ़ी तो वह तमंचा लेकर मोबाइल पर बात करते करते वहाँ से निकल गया। आइए देखते हैं वह वीडियो। देख लो मोहल्ले वाला, देख लो भैया, ध्यान नहीं दे रहे हो, वीडियो बनाओ भैया, बना बना पकड़ पत्ता इसके हाथ में, बनाओ जो वीडियो। हाँ लो, अरे सोनू भैया को मिला के लेकर ना, इस खबर में अभी इतना ही। घर रहें, सेफ रहें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।